तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु होती है, उसके बाद 15 जून को सुशांत के पिताजी मुंबई पहुंचते हैं और क्रिमेंशन सेंटर पे पहुंचते हैं और वहां पे सुशांत को अग्नि दी जाती है। 16 जून को मुंबई पुलिस पहुंचती है सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट, जहां पे पहले से ही कौन उपस्थित थे, सुशांत का परिवार, तो वहां पे उनसे कुछ बातचीत होती है, उनसे जानकारियां साझा की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं। और उसी वक्त वहां पे महेश शेट्टी, अंकिता लोखंडे, संदीप सिंह, अंकिता लोखंडे की माँ और उनका भाई, अंकिता का भाई, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वहां पे जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब वो अंदर जा रहे, तो आप देख सकते हो कि अंकिता लोखंडे ने ग्लव्स पहने हुए अपने हाथ में, है ना, ग्लव्स पहने हुए होते हैं। वो अंदर जाते हैं और जैसा कि उस टाइम के मीडिया आउटलेट्स के हिसाब से बताया गया, जो खबर आई थी कि अंकिता मिलने जाती है सुशांत के परिवार से, वहीं पे दूसरी तरफ आज तक और इंडिया टुडे ये बताता है कि अंकिता लोखंडे से मुंबई पुलिस ने वहाँ पे पूछताछ की, तो पूछताछ के लिए बुलाया था कि उनसे कुछ सवाल जवाब स्टेटमेंट इस तरह से बुलाया गया था। तो ये इंडिया टुडे के हवाले से, जो राजदीप सरदेसाई जी का, जहाँ पे वो काम करते हैं, तो वहाँ से ही आती है फ्रेंडली मीडिया की खबर। और दूसरी तरफ जहाँ पे खबरें आती है कि अंकिता लोखंडे परिवार से मिलने गई थी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद की ये एक वीडियो हम देखते हैं, जो जानकारी मिलती है 16 जून की बात हो रही है, तकरीबन लगभग दोपहर का वक्त है। इसके बाद सेम डे अंकिता लोखंडे रात को दिखाई देती है एकता कपूर के घर के बाहर, तब भी संदीप सिंह साथ है। ये गौर करना, संदीप सिंह हर वक्त साथ है, पहले भी था, यहाँ पे भी था, और जाता है एकता कपूर के घर अंकिता लोखंडे के साथ, वो मिल के आते हैं, ठीक है। ये बात हो रही है 16 जून की। अब एक 15 जून का वीडियो और नजर आ रहा है, जिसके अंदर अंकिता लोखंडे रोती हुई नजर आती है। सुशांत सिंह राजपूत की जब खबर वो देखती है टीवी पे, जो कि 14 जून की है, लेकिन 15 जून को वो फूट फूट के रो रही है। और मेरे को अच्छे से ध्यान है कि 15 जून पे तब सभी का दिल भर आया था इस वीडियो को देख के, और मुझे आज भी ध्यान है, जब मैंने वो वीडियो पहली बार देखा था तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया था कि भाई अगर अंकिता लोखंडे इतनी इमोशनल थी, इतना रो रही थी, तो भैया दूसरा व्यक्ति उसको वीडियो शूट करके वायरल क्यों करने में बिजी था, उसके घर का ही व्यक्ति, क्योंकि ये घर का उसका विजुअल है। तो ये एक गंभीर सवाल है कि क्या अंकिता लोखंडे ने सिर्फ 16 जून को, मतलब 15 जून को और 16 को जब ये वीडियो वायरल करवाया, तो क्या ये सिर्फ इसलिए करवाया कि प्रसिद्धि पा सके, यहाँ पे गेम खेल सके सुशांत की मौत पे। अब आप बोल रहे होंगे कि 15 जून कैसे, तो इंडिया टीवी जो चल रहा है पीछे, उसमें जो मंडे दिखा रहे हैं, तो 14 जून जब संडे था तब सुशांत की मृत्यु हुई थी, और 15 जून का ये वीडियो है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे अंकिता लोखंडे एक नेक्स्ट डे से ही उसने अपना सारा का सारा रचना चालू कर दिया था कि कैसे प्रसिद्धि पाई जाए, कैसे टाइम टू टाइम म्यूट रहा जाए, फिर एकदम से आया जाए, फिर म्यूट रहा जाए, जिससे कि पब्लिक के अंदर अंकिता की आवाज़ सुनने के लिए, अंकिता का चेहरा देखने के लिए एक ललक जगे। तो ये उसने पूरी की पूरी एक प्लानिंग की, जो हम क्लियरली देखते हैं। तो अंकिता लोखंडे वहाँ पे जाती आती है, उसके हाथ से ग्लव्स उतर जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ जाती है, ये सब चीज़ें, ठीक है, बहुत क्लियरली। अब इंडिया टुडे की भैया न्यूज़ यहाँ पे कैसे गलत साबित हो जाती है कि मुंबई पुलिस ने वहाँ पे उनसे सवाल जवाब पूछा। तो यहाँ पे अंकिता का एक वीडियो है जिसमें वो टाइम्स नाउ में खुद बोल रही है नविका को कि जब आती है वो उनके घर पे जाती है मिलने 16 जून को सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा में, तब मुंबई पुलिस भी वहां पे होती है, जो बात कर रही होती है किनसे, परिवार से, है ना, लेकिन वहां पे इनसे कोई बात नहीं होती। और अंकिता को सबसे पहली बार बुलाया जाता है कब, जब ये बांद्रा के ऑफिस में, तो तब उनसे स्टेटमेंट लिया गया या नहीं लिया गया इसके बारे में पूछती हैं नविका। तो वो इसके ऊपर कहती है कि मुझसे स्टेटमेंट नहीं लिया गया था और नॉर्मली पूछा था। तो इस पर नविका ये पॉइंट कहती है कि आपको स्ट्रेंज नहीं लगता है कि मुंबई पुलिस ने ऐसा किया कि आपसे स्टेटमेंट नहीं लिया। यहाँ पे अंकिता का आप हाव भाव अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डर सी गई है, थोड़ा सा स्थिति उसकी खराब हो जाती है टीवी पे, लाइव पे, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि वो कैसे मुंबई पुलिस को बचाने के लिए और इस पे कोई कमेंट करने से बचती नजर आती है। यानी कि अंकिता लोखंडे को पता था शुरू से ही कि मुंबई पुलिस के भैया उस पे अगर बात आएगी तो हमें भैया पीछे हटना है। तो यानी कि मुंबई पुलिस जब भी इससे बात की, जहां पे स्टेटमेंट नहीं लिया, तो वहां पे कुछ ना कुछ ब्रीफिंग जरूर की है इन लोगों को, ठीक है, कि आपको किस तरीके से सुशांत केस में मीडिया को जवाब देना है,
जिसमें मुंबई पुलिस की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये बात दूर दूर तक जा रही है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। टाइम, आपको कभी मुंबई पुलिस ने 14 जून के बाद कभी अप्रोच किया, कुछ पूछने की कोशिश की, कोई डिटेल्स मांगने की कोशिश की उनकी मानसिक हालत के बारे में, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के बारे में? मुझे उन्होंने बुलाया था, बैंड्रा का जो उनका ब्यूरो ऑफिस है, मैं वहां गई थी और वहां उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझसे डिटेल्स ली थी और फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि हम शायद आपको वापस बुलाएंगे स्टेटमेंट लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ पर्सनल डिटेल्स जानने के लिए पहले बुलाया था। और फिर स्टेटमेंट के लिए अब तक कोई कॉल नहीं आया, लेकिन यस आई मेट वहां पे गई थी और मैं मिली थी और मैंने अच्छे से उनको डिटेल्स दी थी, जिनसे कि उनको दे वॉन्टेड टू नो कि सुशांत कैसा था, यू नो आपके साथ चलता है, तो आई गिव द कंप्लीट डिटेल्स। पर स्टेटमेंट कभी नहीं हुआ, अभी तक स्टेटमेंट नहीं हुआ। You find that strange? Ma'am, I really can't comment on that. I मतलब शायद उनको मुझसे कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद they didn't find anything interesting about Sushant in me. तो उनको शायद नहीं जरूरत पड़ी, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिया। और मैं सच बोलूं, मुझे इतना नॉलेज नहीं था इन चीजों का कि स्टेटमेंट क्या होता है। मुझे लगा जब मैं गई तो दैट वॉज माई स्टेटमेंट ओनली, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू पुलिस स्टेशन, आई डोंट नो कि आप जब स्टेटमेंट क्या, मैं लिटरली नहीं जाती। लेकिन जब मुझे जानकारी में आया कि स्टेटमेंट मीन्स यू हैव टू साइन दैट थिंग, यू हैव टू गिव योर सिग्नेचर्स जब आप जब बोलते हो, बट ये ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है अब तक। तो आई एम वेरी श्योर विल डेफिनेटली कॉल मी फॉर द स्टेटमेंट। फैमिली में भी किसी से कुछ नहीं पूछा, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने लगा, फैमिली में किसी की स्टेटमेंट नहीं हुई? मैम आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। मैं जो देखती हूँ वो मैं सब जो मीडिया में आता है, जितने लोग जाते हैं वो देखती हूँ, बट ये फैमिली से मेरी बात हुई क्योंकि श्वेता दी इज इन यूएस, तो वो तो चली गई है, बट अदरवाइज आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, उनका स्टेटमेंट हुआ नहीं हुआ इतना। पर फैमिली आपके टच में तो है, बिकॉज यू नो देम वेल, आप उन्हें पापा कहती हैं, बहनों को बहन कहती हैं, तो जी ऑफ कोर्स मैं क्लोज हूं, ऑफ कोर्स, बट उनका स्टेटमेंट का मुझे पता नहीं, क्योंकि जब ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जिस दिन मैं घर गई थी उस दिन पुलिस आई थी, तो इन लोगों की बातें चल रही थी, सो आई नेवर, यू नो आई थिंक वी नेवर स्पोक अबाउट दिस दैट क्लियरली कि स्टेटमेंट हुआ है, क्योंकि अब ये आप मुझसे पूछे तो मेरे ध्यान में आ रहा है, लेकिन हमारा कभी इस चीज पर डिस्कशन नहीं हुआ कि आपका स्टेटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बट आई थिंक वी ऑल वॉन्ट कि हम, मुझे जहां तक लगता है कि हम सब एक ही चीज के लिए यहाँ पर है कि हमें जानना है, हमें जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए। तो जो भी हो रहा है, आई एम वेरी श्योर महाराष्ट्र पुलिस विल हेल्प अस, एंड हम जो करेंगे वो करेंगे। अंकिता जी आप बिहार भी गए, तो अंकिता लोखंडे का ये रोना क्लियर समझ में आता है कि ड्रामा था। वो एक एक्ट्रेस है, रोना करना इसकी कला है, ठीक है, तो ये घड़ियाली आंसू हैं, इसको आप दिल पे ना ले। तो यहां पे अंकिता लोखंडे की असलियत आती है। अब मैं एक रीसेंट इंटरव्यू पे आता हूं, एक उसकी क्लिप आपको जरूर दिखाऊंगा, जिसको आप देखो और समझो कि अंकिता लोखंडे ये बोल रही है इस वीडियो में कि मेरी मुलाकात हुई थी किससे, विक्की जैन से, कब, जब सुशांत से ब्रेकअप हो जाता है, ये डिप्रेशन में चली जाती हैं, और उसके बाद जब इनकी स्थिति खराब हो जाती है उसके बाद ये मिलती हैं विक्की जैन से और इनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन ये जो फोटो दिख रही है आपकी विक्की जैन की, भैया प्रोफाइल पे जो शेयर की थी अंकिता लोखंडे जिसकी चिपक रही है, यह विक्की जैन है, और ये 2014 की पिक्चर है, 18 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे से 4 दिन बाद की ये फोटो है जब ये विक्की जैन के साथ थी। दिसंबर 2014 की भी, नवंबर दिसंबर 2014 की भी फोटो है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2014 में ये बहुत करीब थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और अंकिता लोखंडे हर बार की तरह सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है ये कहते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे छोड़ा, मेरी माताजी बाहर निकल के बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कहीं नहीं, लेकिन मेरे को सबने भैया टारगेट किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो मैं बता नहीं रही। तो यहां पे ये समझने वाला विषय है कि सुशांत को बदनाम भी किया जा रहा है और ये बोला भी जा रहा है उसके बाद कि मैं कुछ बता नहीं रही, जबकि जो तथ्य हैं आपके झूठ को एक्सपोज करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 2014 में ही ये जानती थी विक्की के साथ थी और वहां पे झूठ कह रही है, 2016 में इसका सुशांत के साथ ब्रेकअप होता है और
कहती है कि दो उसके बाद में मिलती हूँ विक्की से, तो ये झूठ है क्लियर। तो हटाओ यार, क्यों लगा रखे तूने, पागल है क्या सुशांत की फोटो लगा रखे? फिलहाल गिव मी टाइम यार, आई नीड माय टाइम, आई कांट जस्ट, आई एम नॉट समबडी कि मैं ढाई साल तक उनके साथ रही हूँ मेहंदी, आई हैव लिव्ड माय लाइफ विद दोस पिक्चर्स पीपल, मे बी दे यूज्ड टू कम एंड दे से तू पागल है क्या यार, बिकॉज आई वॉज, आई एम नॉट समबडी हु विल रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, आई वॉज गेटिंग अप एंड फेसिंग दैट थिंग एवरी डे सो दैट आई कम आउट, जब भी मैं, अगर सुशांत कभी मेरे सामने आए तो आई फेस हिम स्ट्रांगली. That was my thought process. I didn't want to mention it, but in that interview, I think you were crying looking at those pictures. Yeah, maybe. I don't remember that. But yes, because I'm not somebody who run away from the situation. I faced it every single day. Or ek din aaya where I realized now I'm done. Now I need to remove the pictures. And I removed it. Focus on yourself. Yes, focus. And I felt ki ek jagah khali hogi, tabhi to dusri pictures aayengi. And I felt it. And I met Vicky. You know, he's in my life and I'm very, very, very happy with him. He brought that, I think he brought that calm. Yes, yes. Very balanced. Because he's very balanced, you know. And I always try to keep very balanced. Though I really try hard. But I'm not somebody like... दूसरा रिपब्लिक पे अर्णव गोस्वामी जी के सामने बैठ के ये क्लियर झूठ बोलती है. जब इनसे पूछा जाता है आप दिशा सल्यान को जानते थे, ये क्लियर कह देती है मैं दिशा सल्यान को नहीं जानती थी. और इस बात को ये इतना अच्छे से बहुत जल्दी छोड़ती है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, जिसके अंदर पूछने के बाद पहले ये मना करेगी और उसके बाद इस विषय को छोड़ देगी, डाइवर्ट करेगी. तो एक बार इसको देखिए तो समझिए. डिड यू नो दिशा, हिज हु यूज्ड टू बी हिज मैनेजर, दिशा सल्यान? हु सर? दिशा सल्यान. You know, no, sir. You didn't no, know. Sir. I don't know. Because Ankita, 1 week before Sushant, 6 days before Sushant died, Disha Salian had a suspicious death. She fell off a high-rise building in Malad. Sushant put out a tweet. And Sushant says, it is such devastating news. And their lawyer says that he was very worried about it. That's why I'm asking you. You know, I don't think someone who would be devastated at someone else's suicide okay. would... Okay, so because... Because he was a very emotional kind of a guy, sir. I'm sure वो सर उसके घर के लड़कों के लिए भी worried हो सकता है, जो उसके लिए काम करते हैं वो उनके लिए भी worried हो सकता है सर. तो यहाँ पे आपने इस चीज को देखा, समझा कि अंकिता लोखंडे एक बड़ी प्लेयर है, सुशांत की हितेशी बनने का नाटक कर रही है और आपके समक्ष इमोशनल बातें करके, इमोशनल ड्रामा करके क्या जताने की कोशिश की जा रही है कि मैं यहां पे विक्टिम हूं, जैसे रिया चक्रवर्ती ने बहुत अच्छे से किया, ऐसे ही अब अंकिता लोखंडे कर रही है. जब आप संदीप सिंह के साथ बर्थडे पार्टी कर सकते हो जो खुद घेरे में है, आपको उसके ऊपर कुछ गलत नहीं लगता, आप तो उसके साथ शिरकत करते हैं हर जगह, तो आप कैसे सही हो सकते हो? आप इस मुंबई पुलिस को डिफेंड करते हो जो आज एक्सपोज हो चुकी है, सचिन वाजे परमवीर सिंह की हालत आपके सामने है, लेकिन आप उसके बाद यही कहते हो कि भाई मुंबई पुलिस के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती. तो ये बहुत ही गंभीर है. आपका बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो गई, आप रोने का नाटक कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं साजिश नहीं दिख रही, गलत नहीं लिख रही, एक्स बॉयफ्रेंड की, क्षमा चाहूँगा. तो इसके बाद भी आपको कुछ गलत नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, आप सिर्फ ढोंग करते हो और अब आके आप एक जहर उगलना चालू करते हो कि सुशांत सिंह राजपूत था वो व्यक्ति जो भाई अपने करियर को लेके पागल था और इसने अंकिता लोखंडे को छोड़ दिया. और अंकिता भाई तब भी प्यार करती थी, तब भी उसने अपने रूम में सुशांत की फोटोज लगा रखी थी. एक झूठ और एक थ्योरी, फेक नैरेटिव्स फैलाने की इसने कोशिश की, बट तथ्य कुछ और बताते हैं. तो गाइस, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, इस चीज को करीब से, गंभीरता से, कि कैसे अंकिता ने एक प्रपंच रचा एक झूठ पे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अपनी बेगुनाही बताने नहीं आ सकते, साबित करने नहीं आ सकते. उसने मुंबई पुलिस का साथ दिया है, मुंबई पुलिस को डिफेंड करने का काम किया है. रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि सब बॉलीवुड का वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है. आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत आवश्यक है कि वो इस चीज़ को करीब से समझ पाए, जान पाए अंकिता लोखंडे का असली रूप. ठीक है, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरा जो यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. जय हिंद.